नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर है धार जिले के धामनोद से, जहां खलघाट में सवारियों से भरी बस पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नर्मदा नदी में जा गिरी। बस पूरी तरह से पानी में डूब गई। घटना के बाद घाट पर मौजूद लोग और नदी में चल रहे नाविक तुरंत बस के पास पहुंचे और यात्रियों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। अब तक 12 लोगों के शव निकाले गए हैं और 15 लोगों को बचाया गया है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बस महाराष्ट्र परिवहन निगम की थी, जो इंदौर से महाराष्ट्र की ओर जा रही थी। इसे क्रेन की सहायता से निकालने की कोशिश की जा रही है। इंदौर कमिश्नर और अन्य अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि बस ने खलघाट में 10 मिनट का ब्रेक लिया था, जिसके बाद ये आगे बढ़ी तो गलत दिशा से आ रहे वाहन को बचाने में रेलिंग को तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। बारिश की वजह से रेस्क्यू अभियान भी प्रभावित हो रहा है। इंदौर के सरवटे बस स्टैंड से 12 यात्री इसमें सवार हुए थे। इसके साथ इसमें कुल 7 परिवार और 13 बच्चे होने की भी जानकारी सामने आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हुई बस दुर्घटना को संज्ञान में लिया है। बस के नदी में गिर जाने की सूचना मिलते ही प्रशासन को शीघ्र पहुंचने के निर्देश दिए गए। बस को निकालने के लिए उसमें फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू का ऑपरेशन प्रारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री ने SDRF को भेजने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यक संसाधन घटनास्थल पर भेजने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। खरगोन इंदौर जिला प्रशासन के साथ मुख्यमंत्री निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। नहीं मरिया,